गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। छतगण, इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आर्थिक समितियां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SSC का हो, रेलवे हो, JPSC हो, UPSC हो, बैंकिंग हो, हर जगह प्रतियोगिता परीक्षाओं में से प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर पर कमांड रखना होगा, इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देना होगा, इस चैप्टर पर विशेष रूप से आपको जो है नजर इनायत रखनी होगी छात्रगण, है ना। तो लिखने की कार्रवाई करेंगे छात्रगण, है ना। आर्थिक समितियां और उसके विषय, इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी आर्थिक समिति किस विषय को लेकर के गठित की गई थी, है ना। देखिए, सी अलेक्जेंडर समिति, पीसी अलेक्जेंडर समिति, समिति लिखे, आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण, आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण, उदारीकरण। नेक्स्ट, महाजन समिति, महाजन समिति। दस दके लिखेगा, चीनी उद्योग। नेक्स्ट, आरवी गुप्ता समिति, आरवी गुप्ता समिति। कृषि शाख, कृषि शाख। तारापोर समिति, तारापोर, बहुत पूछता है छात्रगण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार चुका है, तारापोर समिति लिखे। यूटीआई के शेयर सौदे की जांच, यूटीआई के, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई के शेयर सौदे की जांच, जांच एवं यूटीआई के शेयर सौदे की जांच एवं 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 रुपये के पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, टोटल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज इन कैपिटल अकाउंट, रुपये के पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित, संबंधित। नेक्स्ट, मासेलकर समिति, मासेलकर समिति, समिति देखिए, ऑटो फ्यूल नीति, ऑटो फ्यूल नीति। नेक्स्ट, मसलेकर समिति में कौन लिखेंगे, कौमा देके ऑटो फ्यूल नीति के साथ साथ दो चीजों का ये कर रहे थे, नकली दवाओं का उत्पादन, नकली दवाओं का उत्पादन। नेक्स्ट, NS वर्मा समिति, NS वर्मा समिति, वर्मा समिति देखिए, वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना, वाणिज्यिक बैंकों की पुनर् संरचना, संरचना। नेक्स्ट,
एनके सिंह समिति, एनके सिंह समिति कर नीति के समीक्षा, कर नीति की समीक्षा। नेक्स्ट, वाईवी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा वाईवी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा। समीक्षा नेक्स्ट, भूरे लाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। नेक्स्ट, सप्तऋषि समिति स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु। नेक्स्ट, अभिजीत सेन समिति दीर्घकालीन अनाज नीति। नेक्स्ट, केलकर समिति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, सच्चर समिति। बहुत इंपॉर्टेंट समिति, ठीक है। मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, अध्ययन। नेक्स्ट, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। नेक्स्ट, डॉक्टर विजय केलकर समिति भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। नेक्स्ट, सुंदर राजन समिति खनिज तेल
क्षेत्र में सुधार। नेक्स्ट, डीके गुप्ता समिति, डीके गुप्ता समिति समिति, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना। नेक्स्ट, शंकरलाल गुरु समिति, शंकरलाल गुरु समिति, कृषि विपणन, कृषि विपणन। नेक्स्ट, राकेश मोहन समिति, राकेश मोहन समिति, वित्तीय सुधार। नेक्स्ट, ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला। नेक्स्ट, मालेगांव समिति, प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार। नेक्स्ट, चक्रवर्ती समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। नेक्स्ट, भगवती समिति, बेरोजगारी। वांचू समिति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वांचू समिति, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, एलके झा समिति, एलके झा समिति, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति। नेक्स्ट, भूतलिंगम समिति, भूतलिंगम समिति, मजदूरी आय एवं वितरण, मजदूरी कौमा आय एवं वितरण, वितरण। नेक्स्ट, दंतेवाला समिति, दंतेवाला समिति, बेरोजगारी का अनुमान, बेरोजगारी का अनुमान। नेक्स्ट, सुखमय चक्रवर्ती समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, मौद्रिक प्रणाली। नेक्स्ट, सरकारिया समिति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समिति, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट, वैद्यनाथन समिति, वैद्यनाथन समिति, सिंचाई। नेक्स्ट, महालनोबिस समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति,
कर सुधार। नेक्स्ट, खुसरो समिति, खुसरो समिति, कृषि साख, नेक्स्ट गोईपोरिया समिति, गोईपोरिया समिति, समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार। नेक्स्ट नरसिम्हन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला। रेखी समिति, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, कर। गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, रुग्णता। नेक्स्ट तिवारी समिति, औद्योगिक रुग्णता। सुंगलू समिति, सुंगलू समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के, सरदार सरोवर बांध परियोजना के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु, पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु, हेतु। नेक्स्ट तेंदुलकर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, तेंदुलकर समिति गरीबी का आकलन। नेक्स्ट मंडल कमीशन, मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों को आरक्षण, रिजर्वेशन टू ओबीसी। नेक्स्ट कोठारी कमीशन, शैक्षणिक सुधार। नेक्स्ट आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति औद्योगिक सुधार। औद्योगिक सुधार सुब्बा राव समिति, सुब्बा राव समिति समिति मौद्रिक नीति, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति, समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य प्रणाली पर सुझाव,
नेक्स्ट, एनसी जोशी समिति, काले धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा, काले धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा। नेक्स्ट, अमिताभ कांत समिति, अमिताभ कांत समिति, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु हेतु यह छात्रगण भारत की प्रमुख समितियां और उनके विषय। सारे समितियों को बहुत गिन चुन के मैंने लिखवाया छात्रगण, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक को मैंने एक तरीके से आपको छपवा दिया है, चाहे एसएससी में, चाहे रेलवे में, जेपीएससी में, यूपीएससी में, बैंकिंग में, सब जगह आए हुए प्रश्नों को मैंने एक साथ, और कुछ आने वाले संभावित प्रश्नों को भी मैंने एक साथ करवाया है। छात्रगण इतनी समितियां एटलीस्ट आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। समितियों की संख्या यदि हम लोग देखें तो अभी तक 500 से भी ज्यादा समितियां हैं छात्रगण, लेकिन मैंने बहुत ही गिन चुन करके, समुद्र मंथन करके, अमृत निकाल करके इन समितियों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इतने समितियों को यदि याद रख लेते हैं तो मैं कम से कम ये उम्मीद जरूर करूंगा कि क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। इसलिए आपको इसे रटना होगा, समझना कुछ नहीं है, रटना ज्यादा है छात्रगण। यदि मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है तो वह उसी से संबंधित है ना। एक और लिख लीजिएगा छात्रगण, मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग। तो छतगन क्वेश्चन कैसे आएंगे गौर कीजिएगा, सीधा सीधे सवाल आपको दे देगा, है ना। रुपये के पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित समिति कौन सी है, तारापोल समिति। केंद्र राष्ट्र संबंध से संबंधित समिति कौन सी है, सरकारी समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, हथकरघा उद्योग। बस इसी तरह के क्वेश्चन छात्रगण पूछे जाएंगे, आपको इसका जवाब देना है, आपको इसे याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पैरी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को मनन करेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात छात्रगण जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, मनन करना है, और एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, उसे भी गौर कीजिएगा छात्रगण। खंड क को खंड ख से मिलान कर दे देगा, खंड क में चार समितियों का नाम दे देगा, खंड ख में उनका विषय दे देगा। अब बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए, तो छात्रगण जब तक आप नहीं जानिएगा कि किस समिति का संबंध किस विषय से है, सच्चा समिति मुसलमानों के शैक्षणिक आर्थिक सुधारों से संबंधित है, तो आप नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे। इसलिए आपको इसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फैक्ट है, इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। रटिए, जितना रटने में आप कामयाब हो जाएंगे आपको इस टॉपिक पर उतनी ही पकड़ बनेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अगले टॉपिक का नाम लिखिएगा छात्रगण, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, नाम सुना होगा छात्रगण आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लिखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा केंद्र सरकार द्वारा निम्न निर्धारित की गई है। एक तब लिखेंगे छात्रगण विषय, और दूसरे तब लिखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की
सीमा, है ना। इस तरीके से छतगन लाइन खींच देंगे, इधर से अपना लिखना शुरू करेंगे। हाँ, विषय लिखेंगे छतगन कृषि एवं अन्य कृषि उत्पाद से संबंधित वस्तुएं, कृषि उत्पाद से संबंधित वस्तुएं, इधर लिखेंगे छतगन 100%, 100%। नेक्स्ट, विद्युत परियोजना लिखेंगे 100%, कोयला खनन 100%, रक्षा क्षेत्र 49%, केबल नेटवर्क 49%, हवाई अड्डे 74%, कोरियर सर्विस 100%, ई कॉमर्स 100%, निजी बैंक 49%, बीमा क्षेत्र 26%, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 100%, नेक्स्ट, तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज, तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज, खोज 100%, नेक्स्ट, चाय बागान, कॉफी बागान, रबर उद्योग, उद्योग 100%, नेक्स्ट, उपग्रहों की स्थापना एवं परिचालन, उपग्रहों की स्थापना एवं परिचालन, परिचालन 100%, नेक्स्ट, कोयला प्रसंस्करण प्लांटों की स्थापना, कोयला प्रसंस्करण प्लांटों की स्थापना, स्थापना 100%, नेक्स्ट, बंदरगाह निर्माण 100%, पर्यटन 100%, दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन 100%, लघु उद्योग क्षेत्र 100%, पेट्रोलियम रिफाइनिंग 100%,
दवा उद्योग 100%, कोयला खनन 100%, स्टॉक एक्सचेंज 49%, पर्यटन 100%, टेलीकॉम्युनिकेशन 100%, रेलवे 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल 51%, पेंशन 49%, प्रिंट मीडिया 26%, शिक्षा 100%। यह है छात्रगण, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, आपको इसे याद रखना होगा, मनन करना होगा, किस क्षेत्र में कितनी सीमा तक कोई भी विदेशी कंपनी निवेश कर सकती है, कवर करेंगे छात्रगण, है ना। तो चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो जहां 100% है, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बीमा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, छात्रगण इससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले निगाहें आपको रखनी होगी, एक चीजों को ध्यान देना होगा, किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा सरकार ने निर्धारित किया। तो इसको याद करने का क्या तरीका छात्रगण, गौर कीजिएगा, क्या कीजिए आप कि 100% जो है उसका एक ग्रुप बना लीजिए, 49% का अलग ग्रुप बना लीजिए, 74% का अलग ग्रुप बना लीजिए, तो आपको याद रखने में छात्रगण आसानी होगी, बहुत अच्छा लगेगा और आपको आराम से याद भी हो जाएगा, है ना। तो ये छात्रगण इकोनॉमिक्स के आज दो अध्यायों का हम लोगों ने अध्ययन किया, एक विभिन्न प्रकार की आर्थिक समितियां और दूसरा बताइए छात्रगण, दूसरा टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा है आज, दूसरा टॉपिक आज आप लोगों ने पढ़ा है छात्रगण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उसकी सीमा, है ना। तो इसे दोनों चैप्टर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, इसमें रटना ज्यादा है समझना कम है, याद कीजिए छात्रगण, सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे एकदम चिल्ला चिल्ला करके याद कीजिए, याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। छात्रगण आज यहीं तक हम लोग रुकेंगे, अगली कक्षाओं में पुनः आपसे किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।